वो हम उससे भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ हम काम मांग रहे। हम एक माचिस भी खरीदते हैं उसका टैक्स देते हैं, वो हमें सरकार फ्री नहीं देती है कोई भी चीज, और फ्री हमें चाहिए भी नहीं, वो फ्री दे ले हमें काम चाहिए। 5 किलो अनाज दे रही है, 5 किलो में एक महीना चलता है क्या किसी का खर्चा? जिम्मेदार कौन है इसके लिए? ये मोदी सरकार। कैसे मोदी सरकार? क्यों मोदी जब इतना बड़ा मंत्री बना हुआ है तो कॉलोनी को नहीं देख सकता है? अब हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोगों को मौसम की भी चिंता नहीं है, वो बोले मरना तो है ही, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी आम आदमी की बात सुनने को राजी नहीं है। एक लड़का तो हमारे पागल हो गया, पागल दिमाग से हो गया, क्योंकि नौकरी के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और हारेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पेट का सवाल है, हमारे आने वाले बच्चों के पेट का सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी गिरी। देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नौजवान बेरोजगार पड़े हैं, सभी को रोजगार चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है। आप जब बेरोजगारी का बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कोई ना कोई दूसरा मुद्दा शुरू कर बेरोजगारी ज़रूर डाल देंगे, और इसी को लेकर आज यहाँ पर तमाम लोग जो है उनकी हुजूम उमड़ी हुई है। आप एक बार पोस्टर देखें, कैमरामैन से बोलूँगी कि एक बार पोस्टर दिखाएं। यहाँ पे जन संसद लगा हुआ है जो कि जिसकी थीम है एक वोट एक रोजगार, हर एक वोट के बदले लोगों को एक रोजगार चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी इस हद तक बढ़ी है कि युवाएं सुसाइड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद लोग पकौड़े तल रहे हैं और चाय बेच रहे हैं, ये रोजगार नहीं होता, ये जीविका होती है। उसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी नाराजगी जाहिर करने की, मतलब इनकी नाराजगी जानने की कोशिश करते हैं। मैम क्या कहेंगी इस पर? आज जो जन संसद यहाँ पे इकट्ठी करी है हम लोगों ने, बेसिकली ये लड़ाई बहुत पुरानी लड़ाई है, लोग जंतर मंतर पे पहली बार, अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि लोगों को मौसम की भी चिंता नहीं है, वो बोले मरना तो है ही। हाँ, बारिश हो रही है, बारिश हो, धूप हो, सब हाँ, हमको जाना है, बिल्कुल रखना है। आप देख लीजिए ना कि मतलब पूरे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी आम आदमी की बात सुनने को राजी नहीं है। अभी हालात ये है कि कोरोना काल के बाद तो स्थिति ये हो गई है कि लोग भूखे मर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों के घर में जाके देखिए, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, लोग लेबर चौक पे जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। और अगर लेबर चौक पे लोगों लेबर को बहुत लोग, कई लोग जो हैं वो इस तरह से बोलते हैं कि भाई लेबर काम ही नहीं करना चाह रही है, इस तरह की जुमले भी लोगों के सामने आते हैं। वो सवाल ये है कि अगर एक लेबर की न्यूनतम मजदूरी आपने 800-700 रुपये रखी है तो आप कह रहे हैं कि 300 रुपये में काम कर लो, महंगाई भी चरम सीमा पर, आप बताइए 200-300 रुपये में क्या होगा? तो वो सवाल, ये सवाल तो जायज़ है ना कि मतलब लोग अपने हक के लिए आगे आएंगे। और देखिए, जब 18 साल का कोई भी युवा हो जाता है तो तुरंत उसका वोटर आईडी बनाया जाता है कि वोट डालना, तो वोट वो युवा काम करने लायक भी तो हो जाता है, तो उस समय सरकार ये सोचती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचती है कि कम से कम जो युवा हो रहा है, जो वोटर बन रहा है, उसको रोजगार की ज़रूरत है। बिना रोजगार के, बिना रोटी के तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो पूरे देश के लिए सारे लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूर संसद का निर्माण कर रहा है ना, हर, और उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर युवा 18 साल का हो गया, वो वोट देने के लिए काबिल हो गया है, तो वो रोजगार के लिए भी काबिल हो गया, उसको रोजगार भी चाहिए। मैम कहाँ से आई हैं आप? भलसवा जय कॉलोनी से। किस बात के लिए आई हैं, क्या क्यों आई हैं आप? हम इसलिए आए हैं कि अगर रोजगार होता तो हम आराम से घर में बैठते, फिर यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हमारे बच्चे सब बेकार हो गए, हमारे बच्चे क्या, हमारी पूरी कॉलोनी बेकार हो गई है, काम है, बेकार हो गया, काम धंधे है ही नहीं, काम ही नहीं है किसी का, खाली है, वोट देते हैं आराम से बैठ जाते हैं घर के अंदर, वोट तो रोज नशे, बोलते हैं कि काबिलियत होती तो काम मिल जाता, उन्होंने काबिलियत स्कीम निकाली कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, तो क्या बेटी पढ़ाने के बाद कौन सी बेटी लग गई है? किसी को भी नहीं लगाया उन्होंने। अगर चलो मैं सोचती हूँ कि सरकारी नौकरी नहीं है तो ऐसे तो नौकरी होना चाहिए जो बच्चा अपना पेट पाल ले, पेट पालने के लिए भी एक तो झूठी नौकरियाँ निकालती हैं लोग, वो खोल दिए उन्होंने जगह जगह कंप्यूटर पे, ये नौकरी के फार्म भरो, वो नौकरी के फार्म भरो, 10 नौकरियों के फार्म तो मेरी बेटियों ने भर रखे हैं, किसी में पास नहीं हुई है, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है। अब सारी कमी पूरी होने के बाद वहाँ जगह नहीं है हॉस्पिटलों में लगाने की, तो किस बात के लिए फिर फार्म भर रहे हैं? उसमें क्या हमारा पैसा नहीं लगता? हम उधार कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, लोन पर पैसा लेकर अपने बच्चों को लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे बच्चे क्या खाना कमाना नहीं जानते, क्या नौकरी करना नहीं जानते?
अब ये जीतने के बाद तो अपने अपनों को लगाते हैं ना। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? ये मोदी सरकार। कैसे मोदी सरकार? क्यों मोदी जब इतना बड़ा मंत्री बना हुआ है तो कॉलोनी को नहीं देख सकता है? कॉलोनी के सारे मेंबर बना रहा है, काउंसलर बना रहा है, एमएलए बना रहा है, तो ये सारी बातें नहीं देख सकता है? तो मोदी जी थोड़ी आके पढ़ाएंगे और काबिलियत देंगे? पढ़ाने की स्कीम क्यों निकाल रहे? भाषण बड़े बड़े क्यों दे रहे हो? भाषण ना दे, आराम से बैठे घर के अंदर। भाषण देना बेकार लगता है मुझे, क्योंकि अब कॉलोनी में किसी को भेजे अपने आदमी को, कौन सी कॉलोनी में सुधारे? नशे में पड़ गए हमारे बच्चे, पता है नशे में बेकार हो रहे हैं। आती है पुलिस, मारती है, बंद कर देती है। पुलिस वाले क्या करते हैं? केस पे केस बना देते हैं। कौन बेकार हो रहा? हमारे बच्चे सरकार बेकार कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं अनाज दे रहे हैं, आवास योजना दे रहे हैं, आयुष्मान योजना। हमें नहीं चाहिए 5 किलो अनाज दे रही है। 5 किलो में एक महीना चलता है क्या किसी का खर्चा? एक बंदे पे 5 किलो, 4 किलो गेहूं चल सकता है? 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, एक महीना खा लेगा कोई बैठ के? जो सरकार कहती है ना कि हम राशन फ्री देते हैं, बिजली फ्री देते हैं, वो फ्री नहीं हमको चाहिए। जो कानून के दायरे में 20,357 हमें 20,000 दे दे, उसके वो हम उससे भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ हम काम मांग रहे हैं। और काम का रोजगार कानून होना चाहिए, भीख में अनाज नहीं चाहिए, हक को हक का कमाई खाना। बिल्कुल बिल्कुल, कमा के खाना चाहते हैं, क्योंकि हम गांव से इसीलिए काम ही करते करते हमारा जीवन बीत गया। और ऐसे ऐसे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं जो लॉकडाउन से लेके उनको उनके बच्चे उनके लिए चाय नहीं दे पाते, उनको अलग कर दिया। कभी कहीं से मांग के खाते, कभी कहीं से मांग के खाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बुजुर्ग यहाँ पड़े हैं और ऐसे लेके आए हैं सामने। क्या सरकार ने फ्री राशन देते हैं तो वो आसान नहीं कर रहे? उसके ऊपर लागू कितना? हम एक माचिस भी खरीदते हैं उसका टैक्स देते हैं, वो हमें सरकार फ्री नहीं देती है कोई भी चीज। और फ्री हमें चाहिए भी नहीं, वो फ्री दे ले, हमें काम चाहिए। और बुजुर्गों को कम से कम 10,000 की पेंशन चाहिए, ताकि आराम से इज्जत से जिंदगी जी सके। हम यही कहना चाहते हैं। हम लोग अपनी बस्ती मोहल्ले में बैठते हैं तो हमारी बुजुर्ग महिलाएं बाहर चौखट पर रोती मिलती हैं, क्योंकि उनके बहू बेटे उनके पास काम ही नहीं है और रोजगार नहीं है, और काम में है तो 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह, और सरकार की तरफ से बोलते हैं 20,057 रुपये तनख्वाह है। हमें रोजगार का कानून चाहिए, हमें कानून पास करवाना है, हमें रोजगार के लिए यहाँ लड़ना पड़े, चाहे हमें यहाँ रहना पड़े, और चाहे हमें हर एक गली और मोहल्ले से हमें अपने महिलाओं को लाना पड़े तो भी हम लेके आएंगे यहाँ पे। लेकिन समस्या है, अभी आप धरने पे बैठी हैं, ठीक है, लेकिन जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन करीब आता है, तो आपके ही इलाके का कोई संसद, कोई विधायक आता है आपके पति को या आपके मोहल्ले में जाके मुर्गा भात की पार्टी देगा, 2 बोतल दारू देगा, और आप जाके उसमें बहक के वोट दे आते हैं, तब आपको रोजगार याद नहीं आता? नहीं, हम लोगों सवाल याद है। नहीं नहीं, ये सवाल करा है लोगों ने, सवाल करा है। नहीं, आपके से बहुत बड़ा ये सवाल उठा है, तो हमने कहा उनसे लिख के दो आप। कितने लोगों को हमने लिख के मांगा है, हमने घुसने नहीं दिया। हमारी महिलाओं ने एकता कर लिया, उसने बोला हमारा कानून पास कर रहा है, जो नेता हमारे संसद में लेके जाएगा का कानून पास दे, सरकार पास कर दे। बस हमें सरकार से यही मांगे, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, जो गरीबों का न्यूनतम वेतन अभी तक सिर्फ लागू किया, उनका अभी तक कानून नहीं बना के दे रहे, हम किससे लड़ाई करें? पढ़े लिखे बच्चे हमारे बेरोजगार बैठे हैं, जब बेरोजगार रहेंगे उनके पास काम नहीं होगा। ज़्यादातर आत्महत्याएं बच्चों की बढ़ रही हैं इस चीज़ के लेके, और चोरी, नशे की तरफ गलत संगत में बच्चे जा रहे हैं। रोजगार, हम सरकार से बस ये कहना चाहते हैं रोजगार का कानून बनाया जाए, ताकि उससे हमारे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ सके। तो जैसा कि आपने सुना कि सरकार से यही मांग है कि रोजगार का कानून बने, रोजगार दे सरकार, एक वोट के बदले एक रोजगार दे, क्योंकि युवा को रोजगार की जरूरत है। रोजगार ना होने के कारण युवा सुसाइड कर रहा है और गलत रास्तों पर जा रहा है, नशे पे जा रहे हैं, चोरी पे जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं कि पढ़ने के बाद। एक लड़का तो हमारे पागल हो गया, पागल दिमाग से हो गया, क्योंकि नौकरी के चक्कर में कह रहा है कि इतनी जगह दी थी फार्म भरा और फार्म की जगह उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। जवान लड़का है, घर में बैठे हुए हैं, जब उनको रोजगार ही नहीं है सरकार की तरफ से, तो बच्चे करेंगे क्या? आत्महत्या करेंगे बच्चे या बेलदारी करेंगे बेचारे, उसमें भी उनका पेट नहीं पालन। इसीलिए हमने ये कानून पास, रोजगार कानून लाने की बात करी है, और इसीलिए लोगों से हम
अच्छा, आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग तो अभी कुछ बस्ती में रहते हैं, बच्चों के लिए रोजगार मांगने आए हैं। रोजगार बच्चों के लिए, सुनो मेरी बात, अगर हमें यहाँ रहना भी पड़ेगा ना अपने बच्चों को लाके, तो हम यहाँ रहना भी शुरू कर देंगे, ऐसा भी जिद पे आ गए हम लोग। जिद कर रही है, कोई कोठियों में जा रही है, कोई बेलदारी कर रही है, वो सारी महिलाएं यहाँ पे आई हुई है। तादाद में पब्लिक आई है, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और हारेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पेट का सवाल है, हमारे आने वाले बच्चों के पेट का सवाल है, भविष्य का सवाल है। हमें चाहे यहाँ आंधी आए बारिश आए, हम इस चीज पे लड़े अड़े रहेंगे कि हमें रोजगार कानून बनना चाहिए। हमें ये कहा कि एक बोतल मिल जाती है, मुर्गा मिल जाता है, वो गरीब इंसान बेचारा क्या करे, जब उसके पास रोजी रोजगार नहीं होगा तो वो सोचता है दो चार दिन के लिए ऐसे पेट भरेगा अपने बच्चे के लिए। यही तो बात है, एक दिन के पेट भरने के चक्कर में 5 साल का पेट कट जाता है ना। यही तो बात है सरकार को, अभी जब तो हम लोग सारी जनता अब आइए, अब जनता को समझ में आ रहा है इस बात को, जनता को इसी बात में समझ में आ रहा है। उनकी गरीब बस्ती में आते हैं वो, एक बंदे को पकड़ लिया उन्होंने कि यही बंदा वोट दिलाएगा, उनकी चाल देखो। वो वोट, अब जैसे मैं हूँ कॉलोनी में, मेरे घर आ गए, मैं 50 लोगों को इकट्ठा कर लूंगी, पैसा तो मुझे मिलेगा, रोटी तुम्हें मिलेगी क्या? अगर आज तुम अभी पूरी सब्जी लेके खड़े हो जाओ कॉलोनी में, हमारे रोज औरतें लाइन में ना लगे तो बात करना कि इतनी भूखमरी मर रही है वहाँ पर, इस तरीके से लोग रह रहे हैं, तो एक दिन के क्या तुम्हें? सरकार से हमें फ्री का कुछ चाहिए नहीं, हमें काम चाहिए, कानून चाहिए, हक चाहिए हमारे बच्चों को। मोदी जी का भी राशन मिलता था, मोदी जी का मिलता था, केजरीवाल का भी मिलता था, मोदी ने बंद कर दिया, केजरीवाल का मिलता है, केजरीवाल कभी आधा कर दिया, ऐसा क्यों कर देंगे गरीब इंसान को या भी कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा कानून पास हो जाए जो सब हमें ना वो बिजली का बिल फ्री करें 200 यूनिट, ना हमें वो राशन फ्री दे, ना हमें बस फ्री दे, जब हमारे खैरात नहीं चाहिए, जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारा कहना ये है, हमें अपना हक का चाहिए, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा कहना ये है कि जैसे हमारी कॉलोनियों के अंदर ऑफिस बना दें, ऑफिस में आधार कार्ड से जैसे घर का एक जिम्मेदार आदमी बुलाए कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं 18 साल से ऊपर, तो उसके बाद वो एंट्री करवाएं, एंट्री के बाद उनकी जिम्मेदारी बन जाए कि उनको काम दें, और तनख्वाह 20,000 जो है उससे ही लोग पेट सर, ये जो लोग जितने बैठे हैं इनकी 1.5 लाख रुपये तनख्वाह है, वो कहाँ से आ रहा है पैसा? सरकार जो दे रही है इनको, उसका भी टैक्स दे रहे हैं, हम अपने खाने से लेके कपड़े से लेके बच्चे के पढ़ाई तक के हर चीज में हम टैक्स भर रहे हैं, फिर हमारे साथ इतना अन्याय क्यों? 1 रुपए का शैम्पू भी ले तो उसमें भी टैक्स कटता है हमारा, इस बात में इसलिए हम कहते हैं हमें टैक्स भी काट रहेंगे और हमें खाना भी नहीं देते, काम भी नहीं देते, इसलिए थोड़ी ना होता है इस तरीके से। तो जैसा कि आपने सुना, सबका कहना है ये महिला शक्ति है, सारी महिलाएं यहाँ पर, ज्यादातर महिलाएं दिख रही होंगी आपको, सभी में अब आक्रोश दिख रहा है कि अब हमें रोजगार चाहिए सरकार से, हमें खैरात नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार दो, एक रोजगार कानून बनाओ जिसमें सबको आधार कार्ड लो, चेक करो कि अगर वो 18 साल का हो गया है तो अब उसे रोजगार देना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनहित आवाज के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।